हेलो, माय नेम इज़ आशु। ये है SpaceX का फैलकन 9 रॉकेट और ये है इसरो का पुष्पक। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये दोनों ही रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हैं, यानी कि RLV। एंड ये RLV क्या होता है? वेल, नॉर्मली जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो अपने लॉन्च के बाद उस रॉकेट के पार्ट्स वापस अर्थ पे ओशंस में गिर जाते हैं और उनको वापस यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक RLV में जब रॉकेट लॉन्च होता है तो वो अपने लॉन्च के बाद ऑटोमेटिकली अर्थ पे वापस लैंड हो जाता है। देन साइंटिस्ट उसके पार्ट्स को रिकवर करके अगेन साइंटिस्ट उस रॉकेट को यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द वर्किंग ऑफ RLVs। RLVs के बहुत से फ़ायदे हैं। RLVs की लॉन्चिंग कॉस्ट भी बहुत कम होती है और इनमें फ्यूल भी कम यूज़ होता है, और यही फ़ायदा अब इसरो को भी मिलने वाला है। बिकॉज अभी रिसेंटली में ही इसरो ने अपने पुष्पक विमान की थर्ड एंड फाइनल लैंडिंग टेस्टिंग पूरी कर ली है ऑन जून 23, 2024। लेकिन पुष्पक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वेल, इसरो ने जनवरी 2012 में पहली बार पुष्पक को डिज़ाइन किया, जिसे नेशनल रिव्यू कमेटी ने अप्रूव किया, और इसरो ने फर्स्ट टाइम पुष्पक का प्रोटोटाइप बनाया जिसका नाम था RLV-TD, और इसकी फर्स्ट फ्लाइट 23 मई 2016 को कंडक्ट की गई। इसके बाद सेकेंड लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 22 मार्च 2024 को किया गया, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा होस्टेड Boeing CH-47 Chinook नाम के एक हेलीकॉप्टर पे पुष्पक को अटैच करके करीब 4 किलोमीटर की ऊंचाई से रिलीज किया गया। एंड देन पुष्पक ने एक रनवे पर लैंड किया विद द हेल्प ऑफ ब्रेक पैराशूट। और इसके बाद फाइनली अभी फ़िलहाल में ही जून 23, 2024 को इसरो ने फाइनली थर्ड एंड लास्ट लैंडिंग एक्सपेरिमेंट पूरा किया इन ATR कर्नाटका एट 7:10 AM IST। पुष्पक में मौजूद है ऑटो मेंटेन लैंडिंग सिस्टम, जिसकी मदद से पुष्पक एक प्रिसाइज एंड हॉरिजॉन्टल लैंडिंग कर सकता है। यूटिलाइज मल्टी सेंसर फ्यूजन, जिसकी मदद से पुष्पक अपने एनवायरमेंट की मैपिंग कर सकता है। रडार एल्टीमीटर, जिसकी मदद से पुष्पक अपने एल्टीट्यूड की इंफॉर्मेशन देगा। फ्लश एयर डेटा सिस्टम, जिससे पुष्पक टेम्परेचर एंड प्रेशर का डेटा कलेक्ट करेगा। सियोटोलाइट सिस्टम, जिसकी मदद से पुष्पक ग्राउंड पोजिशनिंग करेगा। और नेविक सिस्टम फॉर नेविगेशन। पुष्पक की लेंथ 6.5 मीटर है और वजन करीब 1.75 टन है। और पुष्पक के बाद इसरो भी एक ऐसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जिसके पास अपना खुद का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। तो इसरो की इस सक्सेस के लिए एक लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।